हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? हमारे चैनल में नए होंगे तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। फेसबुक से देख रहे हैं तो, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे भाई लोग दोस्तों बैठे थे, देख रहे हैं स्कूल के पास, ये जो है फाउंडेशन है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। गांव में आए हुए हैं इसलिए इधर देखिए, हरा हरा ठंडा मौसम है, बहुत ही सुंदर। बैठे थे ऐसे कुछ बात दोस्तों सोच रहे थे, हमको याद आ गया पीछे का बात, कुछ दिन पीछे का। छोटे थे जब हम, बहुत छोटे थे, करीबन उस समय होंगे हम 10 बरस का दोस्तों, 8 या 10 बरस का। ये देख रहे हैं ऐसे ऐसे जगहों में मछली बहुत ज़्यादा आ जाती थी, इधर में बाढ़ आ जाता था पहले बहुत ज़्यादा, इधर में सब बाढ़ आ जाता था। ऐसे ऐसे आहर पोखर में बहुत मछली आती थी, बहुत मछली, अब तो कम आती है दोस्तों। कहीं भी हम लोग अभी इसमें देखिए बहुत ज़्यादा पानी है, छोटा लड़का गर्दन के पास आ जाएगा पानी, इतना है इसमें, छोटा है इसमें, तो पूरा हम डूब जाएंगे, इतना पानी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पानी है इसमें। तो दोस्तों मछली मारने के लिए हम तो खुद छोटे थे लेकिन हमको याद नहीं था। अब आप ही लोग बताइए, मछली कहीं भी जाइएगा आहर पोखर में मारने के लिए तो कितना भी पानी रहेगा तो उसको हिम्मत नहीं हारता है, कोई भी हम हो या कोई भी भाई लोग हैं, ज़्यादा भी पानी रहेगा तो हम लोग सोचते हैं कि इसको कैसे भी बीछ दें, कितना भी ताकत लगे इसको बीछ दें, बीच के मछली निकाल दें अंदर से। यही सब बात याद आ गया कुछ दिन पहले, जब छोटे उम्र में आदमी रहता है बहुत बहुत ही आनंद और बहुत ही मस्ती करता है दोस्तों। बड़ा हो जाने पे बहुत जिम्मेवारियाँ आ जाती है, घर का, गृहस्थी का, खेती का, माने बहुत ज़्यादा कारोबार सब है, जितना है बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी आ जाता है। आप लोग बताइएगा कमेंट में, राय थोड़ा दीजिएगा दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। इधर देखिए बिया बहुत सुंदर हुआ है दोस्तों, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर बैठे थे देखिए, यहाँ पे इधर देखिए बिया कितना हरा भरा हुआ है, बहुत ही सुंदर, देखने में भी अच्छा लग रहा है दोस्तों। देखिए और सब बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं। थैंक यू दोस्त, आगे के न्यू ब्लॉग में मिलेंगे, लव यू। हमारे जितने भी भाई लोग हैं सब भाई को लव यू, लव यू।